ये क्वेश्चन गेट 1999 में आया है. मैक्सिमम एंड मिनिमम टपल्स इन ज्वाइन ऑफ R1 एंड R2 विल बी इफ R1 कंटेन m टपल्स एंड R2 कंटेन n टपल्स. आई थिंक ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था. आप नेचुरल ज्वाइन के टॉपिक में जाके देख सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट ज्वाइन मींस नेचुरल ज्वाइन, क्योंकि पहली बात आपके माइंड में आएगी कौन से ज्वाइन की बात कर रहे हैं. ज्वाइन तो बहुत टाइप की थी, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, बहुत सारी टाइप की थी. बट मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट ज्वाइन का मतलब नेचुरल ज्वाइन है, तो यहाँ पे वो नेचुरल ज्वाइन की बात ही करना चाह रहे हैं. और नेचुरल ज्वाइन के टॉपिक में आप जाके देख सकते हैं, मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है. बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं बोल देता हूँ मिनिमम कितने होंगे. अगर हमारे पास मैचिंग टपल है, से एक R1 टेबल है, उसके अंदर ABC था 1 2 3 4 5 6, R2 के अंदर CDE था, यहाँ पे 1 2 3 3 6 2 ऐसे कह देते हैं, तो सॉरी 3 की बजाय हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 6 2. तो जब हम लोग R1 नेचुरल ज्वाइन R2 करवाएंगे, C इज द कॉमन एट्रीब्यूट जो कि एक ही बारी आएगा. बट जब हम लोग टपल उठाएंगे, पहला टपल हमने उठाया 1 2 3 3, कहीं मिलेगा ही नहीं, मैचिंग नहीं हो पाई. नेक्स्ट 4 5 6 उठाया, 6 भी कहीं नहीं मिला, तो अल्टीमेटली मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 0 आएगी. कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टपल, तो मिनिमम विल बी 0. और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैंने आपको बताया था ज्वाइन में अगर कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, से DEF है, तो इट इज कन्वर्टेड टू कार्टेशियन रॉड. और कार्टेशियन रॉड के केस में क्या हो जाता था, मल्टीप्लीकेशन हो जाती थी. तो मिनिमम विल बी 0 एंड मैक्सिमम विल बी m मल्टीप्लाइड बाय n. ओके, सो हम इसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, R1 नेचुरल ज्वाइन R2 मिनिमम कार्डिनलिटी विल बी 0 एंड मैक्सिमम कैन बी m मल्टीप्लाइड बाय f. ओके,